राखी सावंत के भाई को कर लिया है पुलिस ने गिरफ्तार, उनके ऊपर चल रहा है एक मुकदमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपकी सप्रिया। हाल ही में जो है राखी सावंत सुर्खियों में चल रही थी, इनके ऊपर कई सारी बातें सामने आ रही थी, जिन बातों में जिक्र हो रहा था उनके पति का यानी कि आदिल का, उनके पति के ऊपर लगाए हुए केस का जो कि राखी सावंत ने लगाया है, जिसमें उन्होंने बताया था घरेलू हिंसा के बारे में। इसके बाद जान से मारने की धमकी को लेके भी राखी सावंत सुर्खियों में चल रहे थे, मगर यहाँ बात उनकी नहीं हो रही, उनके परिवार की हो रही है। आपको बता दें राखी सावंत के भाई के ऊपर चल रहा है एक मुकदमा, यानी कि उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें उनके भाई के ऊपर जो है चेक बाउंस का केस लगा है और उड़ीवारा की पुलिस उन्हें लेके गई है। उड़ीवारा की पुलिस ने जो है उन्हें हिरासत में लिया है, उन्हें या फिर यूं गिरफ्तार किया है और पूछताछ चल रही है। आपको बता दें उनको जो है पुलिस ने 7 मई को लिया था, यानी कि उन्हें 7 मई को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 8 से 9 मई तक वो जो है कस्टडी में ही थे, यानी कि पुलिस स्टेशन में ही थे। इससे पहले भी 2020 में उनके खिलाफ एक केस चल रहा था, जिसमें एक पर्सन ने या फिर यूं कहूँ कि एक बिजनेसमैन ने उनके खिलाफ एक रिपोर्ट साइन करी थी, जिसको लेके भी उसके खिलाफ यानी कि राकेश सावंत के खिलाफ जो है मुकदमा चलने वाला था, मगर जो बाद में रफा दफा हो गया था। अब दोबारा जो है उनके ऐसे ही काम के कारण या फिर यूं कहें किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या फिर किसी और परेशानी के कारण, किसी पर्सनल रीजन के कारण उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ चेक बाउंस का जो है उसके खिलाफ चेक बाउंस का जो है ये क्या है कस्टडी चले, इसको जो है पुलिस ने हाई कोर्ट में जो है उनके खिलाफ जो है ये भी हुआ था, यानी कि सुनवाई भी हुई थी 8 मई को जो उनकी सुनवाई हुई थी और हाई कोर्ट में उनसे सवाल पूछे गए थे इसको लेके। अब देखना ये है कि ये कहाँ पे जो है ये केस मुड़ने वाला है, क्या ये केस लंबा चलने वाला है, राखी सावंत की जिंदगी में एक और परेशानी ऐड अप होने वाली है, या फिर इस केस को जो है घुमा दिया जाएगा, पैसा दे के केस को दबा दिया जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, अपने ओपिनियन को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।